सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास टाटा कंपनी की हैरियर गाड़ी आई हुई है। तो फ्रेंड ये तो फिलहाल हमारे पास कंपनी सर्विस के लिए आई है और इसमें कस्टमर का एक और कंप्लेन है, तो हम आपको दिखाते हैं वो कंप्लेन भी क्या है। तो जब हम गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये जो मीटर पे देखिए, इसके डिस्प्ले पे एक तो सर्विस लाइट ब्लिंक कर रहा है, देखिए सर्विस लाइट आ रहा है पाने का, जो सर्विस लाइट है। एक फ्रेंड क्यों आता है, जब इसका सर्विस ड्यू हो जाता है तो ये वार्निंग देता है कि आपका सर्विस का टाइम हो गया है, सर्विस करवा लीजिए। और दूसरा देखिए, ऑयल का लाइट भी ब्लिंक कर रहा है। तो हम फ्रेंड चेक करेंगे कि उस सर्विस लाइट के वजह से ऑयल का जो लाइट ब्लिंक कर रहा है या इसमें ऑयल लेवल कम है, तो हम आपको चेक करते हैं, चेक करके दिखाते हैं। तो ये इसका गेज है, देखिए यहाँ पे ऑयल का गेज आता है। इस गेज को हम ओपन करते हैं, चेक करते हैं, ये देखिए इसमें ऑयल लेवल बराबर है, ये देखिए ऑयल कम नहीं है। तो फ्रेंड ये जो ऑयल का जो सिंबल है, जो लाइट आ रहा है, वो सर्विस लाइट के वजह से ही आ रहा है। इसका सर्विस का टाइम जो है ड्यू हो गया है। हम इसका सर्विस वर्विस चेक करेंगे और इसका ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, ब्रेक चेक करके सारी चीज़ें रिप्लेस करके उसका सर्विस का लाइट उड़ा कर और उसका चेक करेंगे कि सर्विस का लाइट उड़ाने के बाद हमारा जो ऑयल लाइट बिलिंग जो कर रहा है वो सॉल्व होता है कि नहीं, उसको हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो हमने ये गाड़ी को रैम पे ले लिया है। अब इसका चारों व्हील हम चेक करेंगे घुमा के, व्हील बेयरिंग में कोई साउंड वाउंड है क्या, सस्पेंशन में प्ले है क्या। आशीष जी कोई साउंड वाउंड है व्हील बेयरिंग में, सस्पेंशन में प्ले है? नहीं है ना, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह हम चारों व्हील चेक करेंगे कि चारों व्हील का बेयरिंग में कोई साउंड है क्या या सस्पेंशन में कुछ प्ले है क्या। तो हम इसका एयर फिल्टर भी ओपन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसका एयर फिल्टर ओपन करके आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशन में है, अच्छा है कि रिप्लेस करना पड़ेगा या हवा मार के चल जाएगा। फिलहाल तो फ्रेंड देख सकते हैं एयर फिल्टर का कंडीशन तो बहुत ख़राब है, इसको हवा मार के हम चेक करते हैं। अगर क्लीन हो जाएगा तो यही डाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हम कस्टमर का। ठीक है, इसको हवा मार के चेक कीजिए, हवा मार के क्लीन कीजिए। तो फ्रेंड हम इसका एयर फिल्टर जो है हवा मार के क्लीन करके यही लगा देंगे, क्योंकि फ्रेंड एयर फिल्टर चलेगा भी, फिलहाल इतना गंदा नहीं। देखिए टाटा का ओरिजिनल है, इसके लिए हम इसको हवा मार के क्लीन करके यही लगा देंगे ताकि कस्टमर का खर्चा बच सके। तो आपका थोड़ा थोड़ा लोकेशन दिखाएंगे, देख सकते एयर फिल्टर आपका लोकेशन यहाँ पे है, डीजल फिल्टर का लोकेशन यहाँ पे है। फ्रेंड हम इसमें डीजल फिल्टर भी रिप्लेस करने वाले हैं और कूलेंट भी इसमें हम रिप्लेस करेंगे। शेयरिंग ऑयल का भी जो लेबल है वो भी सब चेक करेंगे, हमारे पास कंप्लीशन में सारी चीज़ें चेक की जाती है। इसका अल्टरनेटर का जो बेल्ट है वो भी चेक करेंगे कि उसका कंडीशन कितना है क्या है। इसका ब्रेक भी हम आपको दिखाते हैं, चारों ब्रेक ओपन करके कि ब्रेक पेड कितना चलने लायक है। अगर चलने लायक रहेगा तो उसको अच्छे से पॉलिश पेपर मार कर क्लीन करके हवा हवा मार कर फिर वही लगा देंगे। अभी फ़िलहाल इसका चारों व्हील ओपन हो रहा है, चारों व्हील ओपन हो जाता है फिर ब्रेक ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। तो अब हम इसका एयर फिल्टर फिट कर देंगे, उसको हवा मार कर क्लीन करके हमने साफ़ कर लिया है। फ्रेंड इसमें 6 स्टार का स्क्रू आता है, 6 स्क्रू आप ओपन करेंगे तो आपका एयर फिल्टर बाहर आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका चारों व्हील हमने ओपन कर दिया है। इसका आगे का ब्रेक चेक करेंगे, कैलिपर में प्ले है? नहीं सर, कैलिपर में प्ले नहीं है ना, ठीक है। इसका ब्रेक पेड ओपन कीजिए। फ्रेंड कभी भी आप व्हील ओपन करेंगे, कभी भी आपका पास गाड़ी कंपनी सर्विस के लिए आएगा तो सबसे पहले इस कैलिपर को हिलाकर चेक कर लीजिएगा कि कैलिपर में प्ले है क्या। अगर कैलिपर में प्ले रहेगा तो उसे बुशिंग मरवा लीजिएगा लेट पे, नहीं तो क्या होएगा, खड्डे में थोड़ा नॉर्मल जाएगा तो खुरकुर खुरकुर जैसा आवाज आएगा प्ले रहेगा तो। तो हमने इसका प्ले चेक किया, प्ले नहीं है। और इसका ब्रेक पेड चेक करेंगे क्या कंडीशन में है, रिंग भी बराबर है, पिस्टन का रिंग बराबर है? हाँ बराबर है, बूट वगैरह फटा नहीं है। ओके, तो फ्रेंड इसका ऑलरेडी अभी 80% चलेगा इसका ब्रेक पैड, तो हम इसको अच्छे से पेपर मार के क्लीनिंग करके और इसका जो कैलिपर का पिन है उसको ग्रीसिंग विंग करके अच्छे से लगा देंगे। पिन भी फ्री है ना, पिन भी चेक कर लो। ठीक है, पीछे का आओ, रुक जा पिस्टन, और रुको, इसको ड्राइवर से मत चेक करो, लाइनर टूट जाता है, इसको ड्राइवर से चेक करने के लिए ऐसे ही चेक करो हाथ से। हाँ, इसका सिलेंडर भी फ्री है। फ्रेंड कभी भी आप लोग स्क्रू ड्राइवर से इसको यहाँ मत कटाइएगा, आप इसको ड्राइवर डाल के यहाँ अगर पिस्टन चेक करेंगे कि पिस्टन फ्री है कि जाम है तो यहाँ से लाइनर क्रैक हो जाएगा,
ठीक है, तो वो ऐसा मत कीजिएगा, इसको हाथ से आगे पीछे करके आप देख सकते हैं इसका पिस्टन फ्री है कि नहीं, लीकेज भी नहीं है ना। ठीक है फ्रेंड, तो इसका देखिए लाइनर भी अच्छा है, तो इसको हम हवा मार के क्लीन करके और यही लगा देंगे। आशीष जी इसको हवा मारिए, हवा मार के क्लीन कीजिए। फ्रेंड तो ये हमारा लेफ्ट साइड का था, अब राइट साइड का भी हम इसी प्रकार से चेक करेंगे। राइट साइड का भी हम हवा मार के क्लीन करके अच्छे से पेपर मारेंगे लाइनर से, और ड्रम पे भी पेपर मारेंगे। तो देख सकते हैं राइट साइड का भी हमारा जो सिलेंडर का पिस्टन आता है वो फ्री है, तो इसे भी हम हवा मारकर और पेपर मारकर क्लीन करके चेक करेंगे। लीकेज नहीं है ना पिस्टन? ठीक है, बूट लगा दीजिए, हवा मारिए। ने हवा मारकर इस पीछे के ब्रेक सर्विस को पूरा क्लीन कर दिया है, अब लाइनर पे हम पेपर मारेंगे और ड्रम पे भी पेपर मारेंगे। अच्छे से ड्रम को पेपर मार के क्लीन करेंगे और लाइनर को भी पेपर मार कर उसके ऊपर जो हार्ड मेटल आता है उसे थोड़ा उड़ा देंगे ताकि ब्रेक अच्छा लगे, क्योंकि हार्ड हो जाने की वजह से लाइनर फ्रेंड क्या होता है ब्रेक मारने पे ब्रेक अर्जेंट लगता नहीं है। सकते हैं हमने पेपर मारकर पूरी तरह से एकदम क्लीन कर लिया है ड्रम को और लाइनर को भी। अब इसी प्रकार से हम चारों पीछे का दोनों लाइनर पे और आगे का दोनों ब्रेक पेड को भी पेपर ऊपर मार कर क्लीन करके लगा देंगे। ये हमारा पीछे का है, देख सकते हैं, आगे का भी हमने ओपन किया आपको दिखाया था। देखिए तो आगे का भी हमने जो कैलिपर का पिन है इसे पिन बाहर निकाल कर इसमें पहले ग्रीसिंग करेंगे ऊपर नीचे दोनों में, और इसका जो पैड है उसको पेपर से अच्छे से मार कर क्लीन करके और उसके बाद ही फिट करेंगे। पैड को अच्छे से पेपर मार के ले रहे हैं। इसका कैलिपर पिन में देखिए रबड़ है ना, कटा वटा नहीं है ना, ठीक है, ग्रीसिंग कर दीजिए। बिल भी फ्री है ना। तो हमने इसका डीजल फिल्टर बाहर ले लिया है, ठीक है, अब इसको हम ये जो 6 बोल्ट है T20 LMT का इसको ओपन करके और इसके अंदर डीजल फिल्टर आता है उसको बाहर लेते हैं। यहाँ पे इसको डालकर कटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पाइप आता है यहाँ पे। आपका पूरा डीजल फिल्टर बाहर आ गया वाला है, ये इसका जूना वाला है। देखिए पूरी तरह से प्रॉपर बैठ चुका है। यहाँ पे देखिए एक कट है, ये आपको बॉडी एक कट टू कट मैच करना है तो ये आपका इजीली ये बैठेगा। ये देखिए आपको यहाँ से एक कट के सामने इसको आपको लाना है। ये देखिए पूरी तरह से प्रॉपर बैठ चुका है। अब इसका हम जो भी बोल्ट ओपन किए तो लगा देंगे। बोल्ट को नॉर्मली पूरा टच कर लीजिएगा, एक ही बार फाइनल एक बोल्ट को टाइट मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा डीजल फिल्टर असेंबली हो चुका है, अब इसको हम गाड़ी में फिट करेंगे। फिट करके यहाँ से एयर ब्रीडिंग करेंगे, एयर ब्रीडिंग करके फिर गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड हमने इसका डीजल फिल्टर रिप्लेस कर दिया है, देखिए प्रॉपर तरीके से फिट भी कर दिया है और इसका एयर ब्रीडिंग भी हमने कर दिया है। ये देखिए इसका एसी फिल्टर हम बाहर निकाल रहे हैं, तो हमने इसका एसी फिल्टर भी ओपन कर दिया है। देखिए हवा मार के क्लीन करके लगा रहे हैं, देख सकते हैं हम इसमें कूलेंट भी डाल रहे हैं। इसमें नीला कलर का कूलेंट आता है फ्रेंड, तो आप नीला कलर का ही डालिएगा। गाड़ी को देखिए हाइट में कर लिया है इसका आयल फिल्टर खोलने के लिए। देखिए फ्रेंड इसके नीचे सेफ्टी कवर है, तो हमने इसका जो इंजन का सेफ्टी कवर आता है वो भी ओपन कर दिया है। ऑयल ओपन करके आपको दिखाते हैं ऑयल का कंडीशन कैसा है। देखिए तो देखिए फ्रेंड ऑयल पूरा एकदम काला डांबर जैसा हो गया, एकदम गाढ़ा। देखिए तो ये हमने ऑयल इसका खोल कर रख दिया है, इसको हम थोड़ा 15-20 मिनट छोड़ देंगे ऐसे ही गिरने के लिए। फ्रेंड इसका ऑयल फिल्टर का लोकेशन देखिए यहाँ पे आता है, राइट साइड का ये जो आपका सस्पेंशन है, सस्पेंशन के पीछे देखिए कवर दिया है। ये कवर ओपन करेंगे तो आपको ऑयल फिल्टर दिखेगा और उसमें कितने का पाना बैठता है क्या बैठता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका हम कवर ओपन करते हैं। तो इसका ऑयल फिल्टर देखिए आपको यहाँ से दिख रहा है, इसमें 32 नंबर का बॉक्स बना लगेगा। तो ये इसका ऑयल फिल्टर है, देख सकते हैं पूरी तरह से भी डाम्बर बन चुका है। ठीक है, तो बेल्ट का कंडीशन ठीक है, छोड़ दीजिए। मैनुअल है, गियर है इसका, ऑटोमेटिक नहीं है, तो इसका हम ऑयल का भी लेवल चेक कर लेंगे। प्लास्टिक का कैप है ये देखिए प्रेसिंग वाला, इसको ओपन करके आप इसका ऑयल लेवल चेक कर सकते हैं।
सकते फ्रेंड ऑयल भी एकदम नया है और लेवल भी बराबर है। गियर का ऑयल लेवल भी चेक कर लिया है। अब इसका हम जरा नीचे से पूरा बॉडी चेक कर लेंगे क्योंकि हमने इसको रैम पे लिया है। ऐसा तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है डैमेज जैसा पीस वीस। देखिए आगे का सस्पेंशन भी पूरा अच्छा है, कहीं कुछ मार वार लगा नहीं है। और इसका ऑयल फिल्टर और ऑयल डालना है तो हमने फिलहाल अभी खोल के रखा है गिरने के लिए। ये पूरी तरह से इसका ऑयल जो है ड्रेन हो जाने दीजिए। ड्रेन होने के बाद फिर हम इसमें नया इंजन ऑयल डालेंगे और नया ऑयल फिल्टर लगाएंगे। तो ऑयल फिल्टर हम फिटिंग करने जा रहे हैं। ये देखिए इसका नया ऑयल फिल्टर है, हम इसमें फिट करेंगे। और इसका जूना हुआ इधर रखा हुआ है, देखिए ऑयल फिल्टर रिप्लेस करेंगे। तो इसका रिंग जो है उसे रिप्लेस कर दीजिएगा, जूना वाले पे मत फिट कीजिएगा नहीं तो ऑयल लीक होने का संभावना हो सकता है। देख सकते हैं बॉडी के अंदर भी हमने पूरी तरह से क्लीन कर लिया है और जो ऑयल फिल्टर का बॉडी है उसे भी हमने पूरी तरह से क्लीन कर लिया है। ये देख सकते हैं अंदर बाहर चारों तरफ से, ठीक है। इसके लिए थोड़ा कभी भी ऑयल लगाकर जितने भी रिंग के पार्ट आते हैं उस पर ऑयल लगाकर ही बिठाइएगा। देखिए आराम से बैठ गया ना। फिल्टर भी फाइनली टाइट हो चुका है। अब हम गाड़ी को नीचे लेंगे, डाउन करेंगे क्योंकि हमारा गाड़ी रैंप पे है और इसका ड्रेनर जो आता है देखिए ओपन करके रखा था, ठीक है। कम से कम नहीं हो गया तो भी डेढ़ घंटा हो गया, डेढ़ घंटे से हमने इसको ओपन करके रखा था ड्रेनर को। अब हम इसका ड्रेनर लगाएंगे, ठीक है। ड्रेनर लगा के फाइनल टाइट कीजिए गाड़ी। देख सकते हैं फ्रेंड इसमें हम मोबिल सुपर का ऑयल डाल रहे हैं 5W40। क्योंकि फ्रेंड क्या है टाटा की गाड़ी है और इसका इंजन जो रहता हैवी रहता है तो इसके लिए इसमें हम सादा ऑयल नहीं डाल सकते हैं। सादा ऑयल डालने की वजह से क्या होगा, इंजन आपका ज़्यादा गर्म होगा। देख सकते हैं इसका ऑयल कितना गाढ़ा, एकदम गोल्डन कलर का शहद जैसा। फ्रेंड ये 4 लीटर ऑयल है, इसमें टोटल 5 लीटर ऑयल जाएगा। ये हम 4 लीटर डाल देते हैं, उसके बाद 1 लीटर 4 लीटर के डब्बे में से खाली करके डाल देंगे। वो देख सकते हैं हमने इसमें टोटल 4.5 लीटर ऑयल डाला है। 4.5 लीटर डालने से हमारा गैस का लेवल तो आ गया है लेकिन गाड़ी जब हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद जब फिल्टर में ऑयल जाएगा तो हमारा गैस का लेवल थोड़ा कम होगा। तो गाड़ी हम स्टार्ट करके उससे जितना भी कम होगा उतना हम टॉप अप करेंगे, ठीक है। तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमारा जो कंप्लीट सर्विस का काम था वो पूरा हो चुका है वॉशिंग छोड़कर। तो हमने इसमें इंजन ऑयल भी नया डाल दिया है, आपके सामने हमने डाला था। ऑयल फिल्टर भी इसका रिप्लेस कर दिया है, डीजल फिल्टर भी रिप्लेस कर दिया है। तो फ्रेंड हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके चेक करते हैं जो हमारा जो मीटर पे लाइट आ रहा था सर्विस पाने का और ऑयल का जो ब्लिंक कर रहा था वो ऑयल चेंज करने के बाद जाता है कि ऑटोमेटिक। अगर ऑटोमेटिक नहीं जाएगा तो हमें रिसीट करना पड़ेगा, तो हम पहले चेक करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए अभी भी हमारा जो सर्विस का लाइट है वो ब्लिंक ही कर रहा है और जो रिसीट करना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है जब सर्विस का लाइट मीटर पे आ जाता है सर्विस वार्निंग देता है तो आप ऑयल चेंज कर देंगे तो भी आपका वो लाइट ऑटोमेटिक जाएगा नहीं। तो हम इसको किस तरह से रिसीट करेंगे उसके बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कर लेते हैं और वॉशिंग करने के बाद फिर गाड़ी अंदर लेकर और फिर उसका जो ऑयल लाइट का जो ऑयल लाइट और सर्विस लाइट आ रहा है उसको रिसीट करके हम दिखाते हैं। तो इसका फ्रेंड बॉडी वॉश चालू हो गया है। इसको पहले नीचे से पूरा पानी मारकर और उसके डीजल का कपड़ा मारकर पूरा नीचे पूरा जितना भी बॉडी आता है अंडर बॉडी उसको पूरी तरह से क्लीन करेंगे और उसे क्लीन करके उसके बाद इसका चारों व्हील साफ करके फिर व्हील लगाकर डाउन करके फिर बाकी जो बॉडी पे जितना भी है उसको पानी मारेंगे पहला। फिर उसके बाद डीजल वॉश करेंगे, डीजल मार का बॉडी पर उसका शैम्पू मारेंगे, ठीक है। तो ये हमारी टाटा की जो हैरियर गाड़ी थी इसका देख सकते हैं वॉशिंग का काम भी कंप्लीट होने आया है। पूरे बॉडी में शैम्पू मार दिया गया है, अब शैम्पू मार कर पानी से वॉश करेंगे फिर वॉश कर। गाड़ी हमारी पूरी तरह से वॉश हो चुकी है, अंदर लेकर पूरा अंदर बाहर क्लीनिंग चालू है। तो जिस तरह से हमने आपको बताया था कि बीच का ओके का बटन है आपको एक बार प्रेस करना है, जैसे आप प्रेस करेंगे आपके मीटर पे देखिए आ जाएगा सर्विस, ये देखिए सर्विस रिमाइंडर रिसीट करके
उसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है हम आपको बताएंगे। तो आपको सर्विस रिमाइंडर रिसीट पे जाने का है, तो उसके लिए आपको नीचे वाला बटन एक बार प्रेस करना पड़ेगा। नीचे वाला बटन जैसे आप प्रेस करेंगे, देखिए सर्विस रिमाइंडर पे आप चले जाएंगे। फिर से आपको इसको बीच वाला जो बटन है उसको ओके करना है, ठीक है। फिर जिस बीच वाला बटन को आपको ओके करना है, ये देखिए जैसे बीच वाला वो बटन ओके करेंगे, देखिए आपका आ रहा है रिसीट सर्विस रिमाइंडर। फिर आपको यस कर देना है, जैसे आप यस करेंगे आपका सर्विस लाइट हट जाएगा, ठीक है। तो अब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके चेक करते हैं। देखिए हमारा सर्विस लाइट जो है वहाँ से जा चुका है, देखिए यहाँ पे आता था, ठीक है। तो हम एक बार गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जो ऑयल का लाइट हमारा ब्लिंक हो रहा है वो भी चेक करते हैं कि हमारा जाता है कि नहीं। तो हमने इसको मैनुअली, जो हमारा सर्विस लाइट आ रहा था मैनुअली, हमने इसको रिसेट कर दिया है। रिसेट करके और उसके बाद अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके चेक करते हैं जो हमारा मीटर पे सर्विस लाइट का सर्विस लाइट आ रहा था और जो ऑयल का सिंबल जो दिखा रहा था ब्लिंक कर रहा था वो ऑटोमेटिक बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ऑटोमेटिक हमारे मीटर पे जो लाइट आ रहा था वो ऑटोमेटिक चला गया है। देखिए अभी किसी पर कोई भी लाइट नहीं है, सर्विस लाइट का भी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है और हमारा कंप्लीट सर्विस भी गाड़ी का हो चुका है। अब हमें इसमें छोटा मोटा जो इसका जो लाइट वाइट है, ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सर्विस का भी काम हो चुका है। हमारे जो कस्टमर का कंप्लेन था मीटर पे सर्विस लाइट का सिंबल आने का और ऑयल लाइट बिलिंग करने का, वो भी सॉल्व हो चुका है। तो बचा है कंप्लीट सर्विस हमारा थोड़ा लाइट वाइट चेकिंग करने का, पावर विंडो विंडो चेक करने का, वो भी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। अंसारी जी जरा बाहर जाइए, सब देखिए लाइट वाइट सब चालू है। स्टेयरिंग राइट मारिए, अभी लेफ्ट अपर डिपर वाइपर आगे का सारे लाइटें ओके है। हाँ हाँ सर, पीछे का चेक कीजिए। हाँ ब्रेक लगाइए, चालू है, चालू है। चालू है, साइड मिरर फोल्ड हो रहा है, ठीक है, मिरर भी ओके है। पावर विंडो ग्लास, पावर विंडो चारों देखिए आगे का है, हॉर्न बराबर है, ठीक है। तो ये सारे चीजें ओके है, चलिए एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव मार लेते हैं, कस्टमर के आने वाले हैं उनको गाड़ी देना है, ठीक है। आइए एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। फ्रेंड ये गाड़ी हम लेकर टेस्ट ड्राइव के लिए निकले हैं, ये गाड़ी का हमारा पूरा काम हो चुका है। ये हमारे गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम था सारे सॉल्व हो चुके हैं, जो हमारा सर्विस का लाइट ब्लिंक करता था, ऑयल का लाइट ब्लिंक करता था और हमारा कंप्लीट सर्विस का काम था इस गाड़ी में, तो सारे काम हो चुके हैं। अब छोटा सा हम एक टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं क्योंकि जो हमारे कस्टमर जी वो आने वाले हैं, उनको कहीं बाहर जाने का है, तो उसके लिए हम छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेके उन्हें गाड़ी हैंड ओवर कर देते हैं। क्या है, काम होने के बाद जरूरी है एक छोटा सा ट्रायल मार के देखने का, चेक करने का, ब्रेक लग रहा है कि नहीं, सब बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई आवाज वाज तो नहीं है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। टेस्ट ड्राइव लेकर और उसके बाद गैरेज में पहुंचकर कस्टमर हमारे आने वाले हैं, उनको डिलीवरी दे देते हैं। तो फ्रेंड हम टेस्ट ड्राइव लेकर आ गए हैं गाड़ी का। रिलीज पावर ब्रेक, ठीक है फ्रेंड। तो ये आज की हमारी गाड़ी थी टाटा हैरियर, तो ये हमारे पास कंप्लीट सर्विस के लिए आई थी और इसका जो सर्विस लाइट है वो भी ब्लिंक कर रहा था मीटर पे और ऑयल का लाइट भी ब्लिंक कर रहा था, तो ये सब इस गाड़ी में काम था। तो इस गाड़ी में हमने सारे चीजें का जो भी कंप्लेन था सब सॉल्व कर दिया है, आपको हमने इस वीडियो में दिखाया है, तो हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। जो भी था प्रॉब्लम, जो भी सर्विस में हम काम करते हैं, क्या क्या चेक करते हैं, क्या क्या रिप्लेस करते हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में दिखाई गई है, ठीक है। तो आज का हमारा ये वीडियो था कंप्लीट सर्विस और लाइट रिसेट करने का,
अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी, तो प्लीज प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।